सो फ्रेंड्स, अभी का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है जावा परसिस्टेंस एपीआई। जेडीबीसी पढ़ा है ना आप लोगों ने। उसके अंदर क्या होता है कि मैं डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करता है, दैट्स इट। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही काम करना है, लेकिन एक अलग तरीके से। देर इज़ अ एपीआई इज़ गिवन टू यू, ओके। उसके थ्रू आपको एक्सेस करना है, और वो बहुत सही तरीका है एक्चुअल में। ये जेपीए के लिए हम लोग को वापस MySQL लगेगा, ओके। देन विल बी नीडिंग समथिंग जो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल इन्वेंटरी एप्लीकेशन बनाना है। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है कि मेरे को प्रोडक्ट्स ऐड करना है, दैट इज़ एन इन्वेंटरी, ओके। बस, और प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, नथिंग एल्स, श्योर। सो सिंपल वे में चालू कर देते हैं, ठीक है। डेवलप अ सिंपल इन्वेंटरी एप्लीकेशन यूजिंग जावा परसिस्टेंस एपीआई। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट एक काम कर लेते हैं, नया प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं जेपीए के लिए, ओके। तो वेब एप्लीकेशन, ओके। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ वेब जेपीए। दैट्स इट। देन क्लिक ऑन फिनिश। वी आर नॉट यूजिंग हाइबरनेट नाउ, वी आर जस्ट यूजिंग जेपीए। सो नो नीड ऑफ क्लीनिंग। लेट्स यूज क्रोम फर्स्ट, एंड क्रोम के ऊपर हम लोग लोकल होस्ट 81 पे जाते हैं, और अपना पीएचपी में एडमिन के ऊपर जाते हैं, और एक डेटाबेस तो बनाया हुआ है। तो प्रोडक्ट्स नाम का ऑलरेडी एक टेबल है, बट इट डजेंट हैव अ प्राइमरी की, ओके। सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो डू वन थिंग, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू टेबल, ओके। सो टेबल है TBL underscore prod, ओके। ऐसे बहुत सारे टेबल बनाए हैं। तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आई कैन से प्राइस एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी, तो फोर कॉलम्स आर देयर, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं PID लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट का प्राइस, एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट का क्वांटिटी, ओके। दैट्स इट। बहुत सारा चीज़ें ऑलरेडी बनाया हुआ था। सो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस से आपको जो मिल जाता है, तो प्रीवियस हिस्ट्री रहता है। तो यहाँ पे PID 10 कर दिया, varchar 50 कर दिया, पी प्राइस आई कैन से 10 कर दिया, एंड देन क्वांटिटी भी 10 कर दिया, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट एज एन प्राइमरी की एन ऑटो इंक्रीमेंट। तो प्रोडक्ट आईडी को प्राइमरी की एन ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, दैट्स इट। लेट्स स्टोर दिस टेबल TBL प्रोडक्ट। लेट्स क्लिक ऑन गो, सेव यार, ओके। सो TBL प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे तुम लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। वी आर गोइंग टू हैव अ PID, दैट इज अ प्राइमरी की, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर हियर। नाउ द थिंग इज दैट आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद दिस टेबल, उसके लिए मुझको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट अस सेटअप इट अप। सबसे पहला चीज़ मुझे लगने वाला है, अदर्स में जाओ, यहाँ पे परसिस्टेंस को ढूंढो। परसिस्टेंस के अंदर से मेरे को लगेगा PU, PU इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट यूनिट। परसिस्टेंट यूनिट के अंदर मैं जाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ कि भाई यार मेरे को परसिस्टेंस यूनिट बनाने का है, उसको मैं नाम क्या दे दूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक नाम आ जाएगा जो प्रोजेक्ट का नाम है, और आगे PU लिख कर आ जाएगा। सो कीप इट एज इट इज़, और इफ यू वॉन्ट टू चेंज यू कैन चेंज इट, ओके। लेकिन दिया है, बनाया है, तो क्या फ़र्क गिरता है। परसिस्टेंस प्रोवाइडर हाइबरनेट का भी है, एक्लिप्स लिंक का भी है। बाई डिफॉल्ट एक्लिप्स लिंक आएगा, तो वही सिलेक्ट कर देना। एंड डेटा सोर्स, अभी डेटाबेस से कनेक्ट करना है ना, तो क्लिक ऑन न्यू डेटा सोर्स। देन लेट्स गिव सम नेम, TYBSCIT इज अ JNDA नेम, एंड द डेटा बेस इज द न्यू डेटा बेस। मैं कनेक्ट करके देता हूँ इसको, ऑलरेडी आई नो इट कि कैसा करना है। सो यहाँ पे लोकल होस्ट है, और डेटा बेस का नाम क्या था अपना, TYBSCIT। सो यहाँ पे डेटा बेस का नाम TYBSCIT है, रूट है, पासवर्ड ब्लैंक है, एंड रिमेम्बर पासवर्ड करो। और यहाँ पे TYBSCIT के आगे जो क्वेश्चन मार्क है, ओके, उधर से सब कुछ डिलीट कर दो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिलीट करोगे तो क्लीन लगेगा, और कुछ नहीं, ओके। टेस्ट द कनेक्शन, सक्सीडेड, क्लिक ऑन नेक्स्ट, ओके। क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन, एंड दिस इज द स्कीम, आई कैन से दिस इज अ इनपुट कनेक्शन नेम। सो हो गया अपना, क्लिक ऑन फिनिश, देन क्लिक ऑन ओके।
यहाँ पे देखेगा यूज जावा ट्रांजेक्शन सीपीएस और स्ट्रेटेजी क्रिएट पे ही रखना एंड क्लिक ऑन फिनिश। ओके सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंक्लूड ऑल एंटिटी क्लासेस इन वेब जेपीए मॉड्यूल। तो वेब जेपीए नाम का जो मॉड्यूल है, मतलब ये जो वेब जेपीए नाम का वेब है उसके अंदर जितने भी क्लास बनेंगे, ओके इसको ऑटोमेटिकली क्या कर दे, क्लास के अंदर डाल दे, दैट इज कॉल्ड एंटिटी क्लास। मतलब हम लोग क्या करने वाले, देर विल बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर टेबल इन टू अ पोजो। स्टेप बाय स्टेप करते करते देख लेंगे। सो द थिंग इज दैट ये आपको एक बार देखना है, जस्ट एक बार देख लो। अगर आप लोग को लगा कि नहीं हम लोग को खुद से ऐड करना है तो यू हैव टू अनटिक एंड ऐड द क्लास। सो इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, बट देन टू जरूरत पड़े तो कर लेंगे, नी नॉट हैव टू वरी। सो दिस इज अ फर्स्ट परसिस्टेंस यूनिट एडेड। ओके तो कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर परसिस्टेंस डॉट एक्सएमएल का ये कोड है, डिज़ाइन में ऐसा दिखता है। एंड देन यही प्रोजेक्ट के अंदर ग्लासफिश डॉट रिसोर्स के अंदर आप लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। ओके सो दैट्स प्रिटी सिंपल कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों को सब कुछ बना बनाया मिल गया। ओके सो यहाँ पे जो परसिस्टेंस यूनिट को नाम मिला है ये भी देख लो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। देन मैं बोलता हूँ कि अभी इतना सब कुछ हो गया भाई, अब जा परसिस्टेंस में और डेटाबेस के अंदर एक टेबल है उसके हिसाब से एक एंटिटी क्लास बना। तो बोला ठीक है, एंटिटी क्लास फ्रॉम डेटाबेस, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे नो प्राइमरी की है वो तो सिलेक्ट हो गया ही नहीं, जहाँ पे प्राइमरी की है वही सिलेक्ट हो जाएगा। तो क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन ऐड, दैट्स इट, नथिंग टू डू, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब वो पूछेगा भाई यार कौन से पैकेज में डालना है, तो आप कुछ भी नाम दे दो यार, क्या फ़र्क रहता है। ओके मैंने भी IT डाल दिया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके सो देखो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, TBL prod। यहाँ पे डेटाबेस का नाम, डेटाबेस टेबल का नाम क्या है, TBL underscore prod। तो ये underscore यहाँ पे निकल गया है, आपको चाहिए आप इस नाम अपना चेंज कर सकते हो, बट नीड नॉट हैव टू वरी, ये ऐसा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके यहाँ पे यूटिल कलेक्शन है, यू कैन यूज यूटिल लिस्ट, तो लिस्ट अपने लिए बेटर रहेगा क्योंकि उसको इटरेट करने में हम लोग को आसानी होती है, क्योंकि हम लोग ने हर जगह पे लिस्ट ही लिया था, याद है ना। सो दैट्स इट। इतना करने के बाद VIT के अंदर एक TVL prod नाम का एक पोजो बन गया रहेगा। यहाँ पे सबसे पहला लिखा रहेगा @entity, दिस रिप्रेजेंट दैट दिस इज एन एंटिटी। ओके ये एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो टेबल है जिसका नाम है TBL underscore prod। एंड इफ यू सी दिस देर आर सम नेम्ड क्वेरीज, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। ओके बट देन टू जब भी यूज़ करने का रहेगा तभी करेंगे, लेकिन हम लोग के सिलेबस में इसको यूज़ करने का ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, तो फ़र्क नहीं करता। सो यहाँ पे देखो एक कॉलम बना इसका नाम है PID, तो @ कॉलम इज़ एन एनोटेशन। ओके ID इज एन प्राइमरी की, जनरेट वैल्यू इसको बोला आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये ऑटो जनरेट करेगा। ओके दैट्स इट। देन बेसिक थिंग्स आर देयर, ऑल दिस थिंग्स आर देयर कि यहाँ पे आपको इंटीजर PID मिला है, यहाँ पे स्ट्रिंग PNAME मिला है, तो दिस इज़ नथिंग बट अ varchar। ओके तो ये PNAME इज मैप विथ PNAME कॉलम, दिस PID इंटीजर इज नेम्ड विथ PID कॉलम ऑफ whom, ऑफ अ टेबल कॉल्ड एज TBL prod। तो यार ये मैपिंग हो गया है, सेम आपका हाइबरनेट में भी ऐसा ही होने वाला है। सो चेक कर लो यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रोल कर लेता हूँ एंड देन यू विल एबल टू सी सम। यहाँ पे देखो PID कॉलम में इंटीजर PID के साथ मैप्ड है, PNAME। ओके यहाँ पे बोला है कि PNAME इज़ अ कॉलम, स्ट्रिंग PNAME के साथ मैप्ड है, तो ऐसा ही बाकी का चीज़ें भी मैप्ड है। श्योर तो ये दोनों का मैपिंग हो चुका है। नाउ वी नीड अ JSP पेज। मैं पहला तो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ एंड देन हाउ टू इम्प्लीमेंट इट वो कर देता हूँ। ओके सो चलो लेट्स क्रिएट अ JSP पेज। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा JSP पेज बनाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि यार फालतू, क्योंकि यार इसको मैं यूज़ नहीं करने वाला, मैं तो एक्चुअली अलग ही यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन आपको JPA समझाना है मुझे पहला कि हाउ डिस थिंग्स वर्क एंड देन विल मूव अहेड विथ योर एक्चुअल प्रैक्टिकल। ओके सो ये वीडियो देख कर ही आगे की वीडियो देखना आपके लिए बेटर रहेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज सम डिक्लेरेशन सेक्शंस बिकॉज सम थिंग्स वी नीड टू डिक्लेयर। ओके तो यहाँ पे लगने वाले कुछ चीज़ें हैं,
जिनका नाम है सबसे पहला एंटिटी फैक्ट्री मैनेजर. सो लेट्स हैव अ एंटिटी फैक्ट्री मैनेजर. एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, सॉरी. सो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री वो जावाएक्स डॉट परसिस्टेंस में से आएगा, उसको बोलेंगे ई एम एफ. ओके, देन आई नीड अ एंटिटी मैनेजर. ओके ओके, एंटिटी मैनेजर भी जावा एक्सपर्ट परसिस्टेंस में से आएगा. ई एम लिख दो उसको. देन यहाँ पे लिख दो कि मुझे कौन लगने वाला है. तो मुझे ट्रांजेक्शन करने का रहेगा, तो एंटिटी ट्रांजेक्शन की जरूरत पड़ेगी. एंटिटी टी आर, यस परफेक्ट. एंड यहाँ पे लिखता हूँ टी एक्स, इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन. सो दिस थ्री थिंग्स विल बी नीडेड फॉर इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू वर्क विद इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट. एंड इवन आई विल नीड सम डेटा टू रिट्राइव, तो वो बाद में का बात है, करके तो देख लेते हैं पहले इसको. ओके, तो आपका एक्सप्लेनेशन का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, वर्किंग का वर्किंग समझ में आ जाएगा, एंड प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल हो जाएगा. नाउ द थिंग इज आई नीड टू क्रिएट एंटिटी फैक्ट्री. ओके, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू द परसिस्टेंस XML. तो ये परसिस्टेंस XML यूज करना है. ओके, सो फर्स्ट विल इनिशियलाइज इट. ई एम एफ इज इक्वल्स टू आई कैन से परसिस्टेंस में से आता है डॉट या क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री इज आस्किंग फॉर परसिस्टेंट नेम यूनिट. तो अभी तो कॉपी किया था, उसको मैंने डाल दिया. ठीक है, अभी मेरे को एंटिटी मैनेजर को इनिशियलाइज करना है. तो ई एम एफ एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री के थ्रू मैं लेता हूँ क्रिएट एंटिटी मैनेजर. ओके, मैपिंग इज ऑलरेडी डन, सो दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम. नाउ द थिंग इज दैट आई वॉन्ट टू एड सम डेटा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. सो टी बी एल प्रॉड, यहाँ पे अंडरस्कोर वाला मत यूज करना, टी बी एल प्रॉड यूज करना. टी पी इज इक्वल्स टू न्यू टी बी एल प्रॉड. अभी यहाँ पे ये भी यूज कर सकता है मैं, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, लेकिन यार नहीं कर रहा. मैं यहाँ पे लिखता है टी पी डॉट सेट. सेट मतलब दे, नेम दे. तो नेम मैं बोलता हूँ ए बी सी डी इज द नेम, एंड देन मैं बोलता हूँ इसको कुछ और चीज़ें भी देनी है. सो थ्री थिंग्स आर नेसेसरी, राइट? नेम इज नेसेसरी, देन प्राइस इज नेसेसरी. तो सेट पी प्राइस, ओके, दैट इज आई कैन से 100 rupees, बट इट इज एन इंटीजर, राइट? एंड देन पी प्राइस के बाद में हम लोग बोलेंगे प्री क्वांटिटी. क्वांटिटी कितना है? 10. सो लेट्स, दैट्स इट. सो द थिंग इज कम्प्लीट. ओके, मेरे पास मैंने बता दिया कि भाई मेरे को क्या डेटा डालना है, बट ये डेटा मैंने कहाँ पे डाला? एंटिटी के पास डाला, विच इज अ पोजो. ओके, नाउ फॉर इंसर्टिंग द डेटा, आई यू डी को अगर काम करने का है तो इसके लिए सबसे पहला मेरे को ट्रांजेक्शन की हेल्प लगेगी. सो अभी ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू आई कैन से एंटिटी मैनेजर डॉट गेट ट्रांजेक्शन. दिख रहा है? गेट ट्रांजेक्शन रिटर्न करता है एंटिटी मैनेज एंटिटी ट्रांजेक्शन. ओके, सी यार याद करने की जरूरत नहीं, अपना सिर्फ इतना ही याद रखना क्या क्या लगने वाला है. एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, एंटिटी मैनेजर, एंटिटी ट्रांजेक्शन. तो बाकी सब नेटबीन्स है ना, आप लोग को बता देगा कि कैसा कैसा करना है. तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आप लोग बहुत सारा चीज़ें आ जाता है. ओके, सो ठीक है. देन ट्रांजेक्शन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बिगिन टी एक्स डॉट बिगिन द ट्रांजेक्शन. एंड काम ख़त्म हो जाने के बाद टी एक्स को बोलेंगे कि भाई तेरा ट्रांजेक्शन कमिट कर दे. ओके, देन ये हो गया. तो एंटिटी मैनेजर को बोलेंगे भाई सब कुछ हो गया, नाउ यू ऑल्सो गेट क्लोज्ड. ओके, बट बिगिन करने के बाद करना क्या है कि मुझे डेटा इंसर्ट करना है. तो एंटिटी मैनेजर, ओके, परसिस्ट मेथड यूज़ कर. परसिस्ट मेथड क्या करेगा? इट इज़ गोइंग टू इंसर्ट द डेटा. अभी क्या इंसर्ट करना है उसको तो वो पूछ रहा है मेरे को, कौन सा ऑब्जेक्ट बता, एंटिटी कौन सा यूज़ करना है बता. तो यार बताया ना मैंने टी पी, टी पी को जो वैल्यू दिया है ना वो मैप्ड है बराबर अपने टेबल के साथ. टी पी के अंदर जो कुछ भी मैं वैल्यू देने वाला हूँ, ये जो है मेरा टी बी एल प्रोडक्ट, ये पूरा का पूरा मैप्ड है ना किसके साथ? अपने टेबल के साथ. तो जब भी मैं बोलूँगा इसे कि सुन भाई परसिस्ट कर, टी पी के अंदर टी पी का जो डेटा है
वो जा और डेटाबेस में डाल दे. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू डू द सेम कि हमारा डेटाबेस के अंदर एंट्री हो जाएगा. सो होप सो द प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट. ये इंसर्ट का कोड है, लेट्स ट्राई टू रन इट डायरेक्टली. ये ऑटो डिप्लॉय हो जाना चाहिए, लेट्स चेक इट आउट. ओके, दैट्स द वार्निंग, लीव इट. सो इफ़ वी गेट एनी एरर, वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर, सो आई थिंक सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एंड इफ यू गो टू द ब्राउज, द डेटा इज बीन इंसर्टेड. श्योर, सो डेटा इंसर्ट हो गया. ओके, डेटा इंसर्ट हो गया, श्योर ना? अभी जब डेटा इंसर्ट हो चुका है, अब तुमको क्या करना है? अब मुझे अपडेट भी करना है, तो अपडेट कैसे किया जाएगा? सो अपडेट करने के लिए मैं काम करेगा यहाँ पे एंटिटी मैनेजर को बोलेगा, भाई फाइंड कर कौन सा क्लास. तो टीबीएल प्रोड उसको प्राइमरी की, तो बोलता कि वन नाम का डेटा को फाइंड कर. हाँ बोला, फाइंड कर दिया. अभी फाइंड करने के बाद उस डेटा के अंदर का जो पी नेम है उसको चेंज कर. मैं बोलता ए बी सी डी 3 कर दे, प्राइस है 200 और क्वांटिटी है 11. ओके, ऐसा कर दे. एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग परसिस्ट हियर, आई विल बी यूजिंग अपडेट. अपडेट यूज़ करते हैं, नहीं नहीं यहाँ पे मर्ज यूज़ करते हैं, ठीक है. सो होगा क्या, वो ढूंढेगा वन नंबर आईडी को. वो क्या ढूंढेगा? वन नंबर आईडी को ढूंढेगा, दैट्स इट. अभी देखते हैं, जैसे वन नंबर आईडी को ढूंढेगा, उसके पोजो को मैंने क्या सेट किया, नया वैल्यू सेट किया है, तो वन नंबर आईडी के ऊपर नया वैल्यू चला जाएगा. चेक करते हैं, इसको पहला एंटर कर देता हूँ. ओके, कंप्लीट लोडेड, लोडिंग कंप्लीट, चेक इट आउट. ओके, और वर्क इज डन. अब यार मज़ा आ गया इसको देखकर, श्योर. अभी डिलीट करना है, तो डिलीट करते हो ये सारा चीज़ें सेट करने की ज़रूरत है क्या? आईडी मिल गया ना, तो बस उसको बोल दे रिमूव कर दे अभी इसको. तो यहाँ पे क्या कर देने का, रिमूव. ओके, सो इतना बोल दिया, काम खत्म. ओके, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. आई शुड नॉट एबल टू सी एनी डेटा, दैट्स इट. सो आईयूडी का काम खत्म हो गया, श्योर. तो इतना सिंपल है यार ये, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट करना हो अगर तुम लोगों को जेपीए के थ्रू, तो इतना ही ध्यान में रखना है कि भाई एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, एंटिटी मैनेजर एंड एंटिटी ट्रांजेक्शन, बाकी सारा चीज़ें तो ऑटो जनरेटेड है, आपको ज़्यादा कुछ तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है. अभी यहाँ तक अपना काम हो गया है, लेकिन अभी हम लोग को है ना एक मज़ेदार काम करना है डेटा रीडिंग का. लेकिन डेटा रीड करने के लिए मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, ओके, इससे हम लोग टाटा बाय बाय बोल देते हैं. ओके, मुझे डेटा रीड करने का है, तो रीड करने का, तो रीड करने के लिए कमिट थोड़ी रहता है, तो कमिट के लिए ट्रांजेक्शन लगता है, तो ट्रांजेक्शन की तभी ज़रूरत नहीं है, मतलब रीड के लिए ट्रांजेक्शन की ज़रूरत नहीं है. ओके, सिंपल, दैट्स इट, और कुछ नहीं. अभी रीड करना है, तो रीड कैसा किया जाएगा? यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है. अब मैं बोलूँगा, सुन यार, कि मुझे तेरे से कुछ चाहिए. तो एंटिटी मैनेजर मैं को बोलता हूँ, मैं क्रिएट अ क्वेरी, क्रिएट अ क्वेरी. ओके, विच क्वेरी यू वॉन्ट टू क्रिएट. तो हम लोग लिखते हैं ना ऐसा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आई कैन से समथिंग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी और समथिंग, ऐसा लिखते हैं अपन. ओके, सो होप सो याद रहेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखते हैं वो. क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, टी बी एल अंडर स्कोर ई एम पी, राइट. अब बताओ मेरे को, ये मेरा पोजो नहीं, ये मेरा टेबल है, तो पोजो का नाम क्या है? टी बी एल अंडर स्कोर प्रोड, टी बी एल सॉरी अंडर स्कोर नहीं है, प्रोड है, ठीक है. अब इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं एक्स से, तो यहाँ पे भी क्या लिखेगा, एक्स, दैट्स इट. देन मैं बोलता हूँ कि यार सुन, इसके अंदर से क्या कर, गेट द रिजल्ट सेट. तो गेट रिजल्ट सेट मतलब लिस्ट,
मतलब रिजल्ट जो मिलेगा वो लिस्ट में दे दे। ठीक है यार, लिस्ट में मैं दे दूंगा, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, बट स्टोर कहाँ पे करूँ? तो बोलते हैं यार स्टोर करने का ना तेरे को, डोंट वरी, मैं एक तेरे के लिए काम करके देता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ तेरे लिए। डिक्लेरेशन इधर है, इधर बनाते हैं, प्राइवेट लिस्ट, दैट लिस्ट इज नथिंग बट ई एम, आई कैन से ई एम पी नहीं रहे, क्या है, टीबीएल, टीबीएल प्रोड। ओके, इसको बोलता हूँ ऑल प्रोड्स, दैट्स इट। ओ, लिस्ट किधर से चाहिए मेरे को? लिस्ट चाहिए मेरे को, मैन व्हाट्स हैपनिंग, जावा यूटिल का लिस्ट चाहिए मेरे को। दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, ये एरर क्यों दे रहा है? ओके, या इट्स डन। नाउ द थिंग इज दैट ये गेट रिजल्ट लिस्ट करेगा, तो गेट रिजल्ट लिस्ट क्या रिटर्न करता है? लिस्ट रिटर्न करता है। तो भाई मेरे पास लिस्ट अभी रेडी है जिसका नाम है ऑल प्रॉड लिस्ट, और जिसके अंदर टीबीएल प्रॉड्स ही है। यहाँ पे क्या लिखेगा? ऑल प्रॉड लिस्ट इज इक्वल्स टू टीबीएल प्रॉड लिस्ट। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को इसे इटरेट करना है। क्या करना है? इटरेट करना है। सो इटरेट करने के लिए विल बी यूजिंग इटरेटर, इटरेटर। ओके, नहीं आया, चलो इटरेटर आता है। हाँ देखा, इटरेटर, दैट्स इट। इटरेटर का नाम दे दिया, आई टी इज इक्वल टू आई कैन से ऑल प्रोडक्ट्स डॉट इटरेटर। ओके, ये रिटर्न करेगा इटरेटर टीबीएल प्रोड, दैट्स इट। ये काम हो गया। अभी मैं क्या करेगा, वाइल लूप लेगा, एंड दैट इटरेटर हैज नेक्स्ट आईटी दिख रहा है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन अगर आपको लिखने का है तो लिख लो, वाइल आई कैन से आई टी हैज नेक्स्ट, मतलब अगर उसके पास डेटा है तो अंदर जा, अंदर जाने के बाद क्या कर, तो डेटा को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मैं सबसे पहला क्या करता है, ई एम पी का, आई कैन से टी बी एल प्रोड का प्रोडक्ट। ओके, टी बी एल प्रोड का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आई टी डॉट नेक्स्ट में मेरे को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसको कास्ट कर देगा। किस हिसाब से? तो प्रोडक्ट के हिसाब से, तो टी बी एल प्रोड, तो कास्टिंग कंप्लीट। अब मैं आउट डॉट प्रिंट के थ्रू लिखने को चालू कर देता है। क्या लिखने को चालू कर देता हूँ? पी डी डॉट गेट आई डी, आई डी मिल जाएगा। ओके, देन पी डी डॉट गेट आई कैन से नेम, देन पी डी डॉट गेट प्राइस, पी डी डॉट क्वांटिटी, श्योर, एंड देन लेट्स यूज अ बी आर टैग। नाउ द थिंग इज दैट आई हैव नॉट एडेड एनीथिंग इनटू द टेबल, राइट? ओके, सो फाइनली व्हेन द वर्क इज डन, एंटिटी मैनेजर क्लोज हो जाओ भाई, एंटिटी मैनेजर क्लोज। हाँ हाय, ठीक है, सो दैट्स इट। अब यार रन करते इसको, कुछ आउटपुट तो मिलने वाला है नहीं। सो लेट्स गो, लेट्स ऐड सम डेटा। ओके, इट्स वन, देन पी नेम इज एबीसी, प्राइस इज 100, क्वांटिटी इज 10, टू, एंड पी नेम इज आई कैन से एबी एएसडी 200, एंड क्वांटिटी इज 30। लेट्स क्लिक ऑन गो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स गो टू अवर एसक्यूएल एंड लेट्स सी द डेटा।
थिंग्स आर देयर, द ओनली थिंग इज दैट आई वॉन्ट टू सी इट इन माई GSP. ओके, इट इज़ बिन रिट्राइव्ड. तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, JPA को समझा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट, ये चारों चीज़ें हम लोग JPA के अंदर ऐसा कर सकते हैं. ओके, सो ये एक बार समझ में आ गया, एंड नाउ यू कैन प्रोसीड विथ योर वर्क.